मैट्रिक्स फॉर्म में इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एम आर इस मैट्रिक्स को अपने को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो देखो कितनी रो आएगी और कितनी कॉलम आएगी, 1 2 3 1 2 3 4, यानी कॉम्बिनेशन को क्या क्या मिलेगा, बोले तो मिलेगा A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4, यानी आपके पास में कॉलम के अंदर एलिमेंट्स होंगे टोटल 4 और रो 3 ही बनेगी। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, A1 B1 है क्या, बोला नहीं है तब 0 आएगा। फिर क्या देखेंगे, A1 का B1 से देख लिया, अब A1 B2 है क्या इसके साथ में, तो A1 और B2 वाला पार्ट आपका इसमें A1 और B2 वाला पार्ट भी नहीं है, है A1 B2 वाला पार्ट तो 1 आ जाएगा। A1 B3 वाला पार्ट है क्या इसमें, बोला है तो 1 आ जाएगा। A1 B4 वाला पार्ट है क्या, बोला नहीं है तो 0 आएगा। ये हो गया सबसे पहले अपन A1 वाले के लिए। फिर सेकेंड वाले में चलेंगे अपन किसके लिए, अब A2 से स्टार्ट करेंगे, यानी A2 B1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। A2 B1 नहीं है तो 0, A2 B2 है तो 1, A2 B3 नहीं है तो 0, A2 B4 है तो 1, ऐसा अपन अब A3 से चलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A3 B1 नहीं है 0, A3 B2 है, A3 B3 भी है, A3 B4 भी है, तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है हमारे पास में। किसी भी रिलेशन आर रिलेशन के लिए बस कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि ए आई बी जे आर में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी 1 से स्टार्ट कर दो, A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4, फिर A2 B1 A2 B2 A2 B3 एंड A2 B4, इसी तरीके से A3 के लिए भी चेक कर लो, A3 B1 A3 B2 A3 B3 एंड A3 B4, अगर R में है इसके अंदर, अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तब तो 1, प्रेजेंट नहीं है तब 0, इनके लिए प्रेजेंट है तब तो 1 और प्रेजेंट नहीं है तब क्या आ जाएगा, बोला 0 आ जाएगा, जब प्रेजेंट है ही नहीं इसके अंदर तो 0 वाला पार्ट आ जाएगा उसके अंदर, सेम टू सेम वही चलेगा। अगर कोई मैट्रिक्स दे तब भी अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला पार्ट बना सकते हैं, देखो कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ एक एम आर पहले से गिवन है, और एम आर क्या गिवन है हमारे पास में, 101 101 110 110, और एक हमारे पास में है 001 001, और एक और गिवन है एम एस, कोई दूसरा है गिवन, ये क्या गिवन है ये भी देख लो, 010 010 001, और लास्ट है 101 101 101। आर तथा एस समुच्चय सेट ए इक्वल्स टू ए बी सी पर परिभाषित है, पर परिभाषित है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए बी सी पर ही डिफाइन है, यानी एम आर जो गिवन और एम एस जो गिवन है ना, ए बी सी मतलब क्या हुआ, ए ए ए बी ए सी, यानी ए बी सी आपको दो दो बार है एक तरीके से गिवन। तो आर की देखो वैल्यू क्या क्या बनेगी, हमें देखो आर का बनाना है सबसे पहले, कि आर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, ये ए और ए इसके अंदर प्रेजेंट है जब ही तो बन रहा है, तो ए और ए इस सेट के अंदर है, ए और बी 0 है तो इसके अंदर नहीं होगा, फिर ए और सी है इसके अंदर तो ही है ये वाला पार्ट,
फिर ये बी से लेके चलोगे, ये तो लेके चलोगे ना, ए बी सी, ए बी सी दो बार है ये, ए बी सी एक ये भी सेट है, फिर से है ए बी सी के लिए, पहले ए का ए ए ए बी ए सी, फिर बी ए, बी ए वाला यही तो है, ये है बी ए वाला पार्ट, तो बी ए वाला पार्ट है तो क्या आ जाएगा आपका उसमें बी और ए वाला पार्ट, फिर देखो दूसरा पार्ट है बी और बी वाला पार्ट, ये है बी और बी वाला पार्ट, फिर ये कोई मतलब है नहीं, बी और सी में तो जीरो है ना, ये सी ए सी बी और ये फिर क्या है सी सी, तो एक और हमारे पास में क्या है यहाँ से सी एंड सी, तो ये बन गया हमारे पास में क्या आर के लिए, ये बन गया हमारे पास में आर वाले पार्ट के लिए, ए ए ए सी बी ए बी बी और सी सी, ये बना है हमारे पास में आर के लिए। दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं, एस वाले पार्ट पे, एस वाला पार्ट क्या हमारे पास में, तो एस का जो पार्ट हमारे पास में है उसके अंदर देखो क्या क्या है, फिर से देखो वही काम करना है, ए ए नहीं है, ए बी है, ए सी नहीं है, बी ए नहीं है, बी बी नहीं है, फिर बी सी है, सी ए है, सी बी नहीं है, फिर सी सी है, ऐसे कॉम्बिनेशन है। अब आ जाओ इस वाले को भी अपन लिख देते हैं कि एस जो सेट बनेगा क्या क्या बनेगा, बी ए ए नहीं है, यानी ए और बी फर्स्ट वाला था, ये वाला पार्ट आएगा और ए सी नहीं आएगा, बी ए नहीं आएगा, बी बी नहीं आएगा, फिर आएगा बी सी, तो बी और सी वाला पार्ट भी है, फिर यहाँ पे आएगा उसमें सी और ए, ये वाला पार्ट है, सी और ए वाला पार्ट आएगा, सी भी नहीं है, अब फिर से क्या हमारे पास में सी और सी वाला पार्ट भी है, तो सी और सी भी आएगा, तो मैट्रिक्स दे तब आर और एस पूछे तो भी अपन बना सकते हैं, आर और एस दे दे तो मैट्रिक्स अपने से पूछे तो भी अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं, दोनों तरीके से अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं, इससे ये मैट्रिक्स पूछ ले या फिर इससे ये वाला पार्ट पूछ ले, कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि सबसे पहले बोला आर कंपोजिट एस बनाओ और फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करो आर कंपोजिट एस के लिए, तो इस तरीके से भी अपन रिलेटेड देख लेते हैं। देखो या इसी के अंदर एस ओ आर और डिफाइन कर दें अपन, एस ओ आर चलो अपन और इसी में डिफाइन कर देते हैं कि एस ओ आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे इसी की हेल्प से, और इसी में अपन एम एस ओ आर आर ओ एस सब कुछ अपन डिफाइन और कर लेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या देखना चाह रहे हैं, एम एस ओ आर के अंदर एलिमेंट्स देखना चाह रहे हैं कि एम मैट्रिक्स में तो बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, पहले अपन एस ओ आर में, इन सबसे पहले हमें लेना है आर का एलिमेंट्स, आर का एलिमेंट्स है ए का ए से, अब फिर ए का बी से, यानी एक मिलेगा ए का बी से, फिर देखो ए का ए से हो गया, इसका इस वाला पार्ट से हो ही गया आपका उसमें, ए का ए से ए का बी से, ए का बी से, ए का ए से एक और कहीं पे नहीं है तो नहीं आएगा, ए का सी से, सी का ए से, तो ए का ए से और आएगा, ए का सी से, सी का सी से नहीं, ए का सी से और आएगा, बी का ए से, ए का बी से, यानी बी का बी से और आएगा, और ए का किसी से है नहीं, फिर बी का बी से, बी का सी से, यानी बी का सी से और आएगा इसके अंदर, सी का सी से, सी का ए से, यानी सी का ए से और आएगा, सी का सी से, सी का सी से, यानी सी का सी से और आएगा, यही तो रहेगा आपका इसमें एस ओ आर, चेक कर लो आराम से, एस ओ आर जो बनेगा ए बी ए ए ए सी बी 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 सी सी ए एंड सी सी, ये सारे सारे हमारे पास में ये पता चल गया कि एस ओ आर में इस तरीके से हैं, एस ओ आर देखना बहुत अच्छे से आता है होगा, एस ओ आर में क्या क्या देखते हैं अपन कि सबसे पहले दूसरे वाले का एलिमेंट यानी आर का एलिमेंट सबसे पहले यानी इसका एलिमेंट देखना है, देखो सबसे पहले हमें इसका एलिमेंट देखना है आर का, तो आर का यानी इस वाले पार्ट में हमें देखना है,
कि इस वाले पार्ट में से आर का कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इस वाले पार्ट में से, कि ए का ए से, तो फिर ए का इसमें किस किस के साथ है, तो इसमें ए का ए से तो ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन तो हट जाता है, ये वाला कॉम्बिनेशन तो हट जाएगा ना, ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अपने को, तो इसको मैट्रिक्स में देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है एस ओ आर, एलिमेंट्स देखने सबसे पहले ए ए, तो ए ए इसमें है तो बोला वन आएगा, ए बी है क्या तो भी वन आएगा, जो है उसको हटा देता हूँ, ए ले लिए ए बी ले लिए, ए सी बोला ये भी है तो ये भी वन आएगा, ये भी आ गया, फिर बी से चलेंगे तो बी ए नहीं है तो ज़ीरो, बी और बी है, बी और बी वाला पार्ट है आपके पास में, तो क्या क्या पार्ट आ जाएगा, बी और बी वाला पार्ट है तो इधर वाला पार्ट यानी वन, और थर्ड पार्ट क्या है, बी का सी ये भी है तो ये भी वन, ये भी हो चुका है, सी का ए तो ये भी है तो वन, सी का बी नहीं है तो ज़ीरो, सी का सी फिर से है तो ये भी वन, तो एम एस ओ आर इन एस कंपोजिट आर बनाओगे तो इस तरीके से बना सकते हो एम एस ओ आर के लिए। और इसी में अगर मान लो एम आर और एम एस को आपको मल्टीप्लाई करना हो, ये भी पूछ लेता कई बार, एम आर इन टू एम एस निकाल लो, तो एम आर वाली जो मैट्रिक्स हमारे पास में है उस मैट्रिक्स को अपन लेके चल रहे हैं, एम आर वाले में देखो 101 101 101 101, एम आर और एम एस की मैट्रिक्स 110 110 एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास में लास्ट वाली 001 001, ये तो हो गया एम आर, और एम एस ये भी गिवन है, एम एस में क्या गिवन है हमारे पास में 010 010 और 010 के अलावा तो क्या है 001 001 और लास्ट क्या हमारे पास में 101, ये है 101, ये हमारे पास में है ये वाला पार्ट। अब इसको कोई बोले कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ, यानी इस वाले पार्ट को आपको निकालना है इनका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के अंदर अपन क्या करते हैं, इस वाले के तो रो लेते हैं और इस वाले को अपन क्या लेते हैं कॉलम, और लिखते अपन कैसे हैं, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये आ जाएगा फर्स्ट रो के अंदर, फिर सेकंड रो में क्या आएगा, और फिर से ये मल्टीप्लाई सबसे करेंगे, ये वाला तीनों से कर दिया, अब ये वाला भी तीनों से, ये वाला भी तीनों से, इस तरीके से हमें क्या करना होता है इसके लिए मल्टीप्लाई की वैल्यू अपन निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, वन इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो, वन इंटू वन यानी वन, सबको ऐड कर देंगे, फिर वन इंटू वन यानी वन, ये भी जीरो ये भी जीरो यानी ये भी वन, फिर थर्ड करेंगे जीरो जीरो ये भी वन, ये तो आएगा सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तब नेक्स्ट वाले देखो क्या क्या जाएगा, अब इसको करेंगे अपन देखो इस वाले पार्ट को इससे वही जीरो 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 यानी जीरो, इसको इससे करेंगे तो वन जीरो जीरो यानी वन, थर्ड से करोगे जीरो वन ये भी वन, थर्ड में आ जाओ ये जीरो जीरो वन यानी ये वाला वन, फिर आपके क्या क्या जाएगा जीरो जीरो ये भी जीरो, फिर थर्ड वाला क्या है जीरो जीरो वन यानी ये वाला क्या जाएगा आपके पास में वन, तो ये वाली किसकी वैल्यू है आपके पास में
एम आर इंटू एम आर एम एस, एम आर इंटू एम एस की वैल्यू ये है। और अगर आर ओ एस वाला सेम टू सेम अगर मान लो लेके चलते हो आप लोग कि आर ओ एस में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो देखो आर ओ एस के भी एलिमेंट्स लिख सकते हो, आर ओ एस के एलिमेंट्स, यानी पहले आपको किसके एलिमेंट्स लेने हैं, एस के एलिमेंट्स पहले लेने हैं, पहले एस के एलिमेंट्स देन आर के एलिमेंट्स। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, पहले एस के एलिमेंट्स में तो क्या दिया हुआ, देखो ए का बी से, बी का किसे आता है बोले ए से, तो ए का ए, तो ए का ए यहाँ पे आ जाएगा, ए का ए से फर्स्ट वाला पार्ट, एस का पहले ले रहे हैं अपन, ए का बी से, बी का ए से, अब बी का सी से, सी का सी से, बी का सी, एक और आ जाएगा क्या, बी का सी वाला पार्ट और आ जाएगा, बी का हो जाएगा सी के साथ में, और देखो थर्ड वाला क्या है, सी का ए से, ए का ए से, सी का ए और सी का सी, सी का ए और सी का सी, सी का ए और फिर से क्या जाएगा, सी का सी, सी का ए एंड सी का सी, आर ओ एस के एलिमेंट्स बात कर रहे हैं, ए ए ए बी बी सी, ए ए ए ए ए बी, एक और रहेगी आपके पास में, यहाँ पे लिख देता हूँ ए ए ए ए ए बी बी सी, सी ए सी सी, सी ए एंड सी सी, ये सारे सारे पार्ट्स हमारे पास। और इसके लिए अगर मान लो मैट्रिक्स बनाओगे कि एम आर कंपोजिट एस के लिए मैट्रिक्स, फिर से वही काम करना है, क्या क्या ए ए है तो वन, ए का बी है क्या इसके अंदर प्रेजेंट, तो ए का बी भी है ये भी वन, ए का सी वाला पार्ट है क्या बोला नहीं है तो जीरो, बी का ए नहीं है तो जीरो, बी बी नहीं है तो जीरो, बी का सी है तो वन, सी का ए है तो वन, सी का बी नहीं है तो जीरो, सी का सी है तो वन, ये बनेगा किसके लिए, एम आर ओ एस के लिए बनेगा हमारे पास में ये वाली मैट्रिक्स, सब में एक ही काम करना है आर ओ एस के लिए। और एम आर और एम एस किए हैं अपन, अगर मान लो इसको अपन इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब कि एम इसकी जगह अपन ये वाला निकालना चाह रहे हैं, एम एस इंटू एम एम एस इंटू एम आर एक वस्तु, यानी पहले आ जाएगा हमारे पास में कौन सा वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास में क्या क्या है, पहले ये 0 1 0 0 1 0, फिर आ जाएगा ये 0 0 1, फिर आ जाएगा ये 1 0 और ये 1, ये तो हो गया हमारे पास में क्या एम एस वाली मैट्रिक्स। और फिर एक मल्टीप्लाई करना हमें किस साथ, एम आर के साथ और मल्टीप्लाई करना है, तो और एम आर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इंटू एम आर, एम आर वाले मैट्रिक्स हो क्या हमारे पास में 1 0 1 1 1 0 1 1 0 और 0 0 और 1, ये वाली मैट्रिक्स है। इसको हमें मल्टीप्लाई करके और दिखाना है, यानी एम एस इंटू एम आर की वैल्यू क्या आएगी,
एक ही मैट्रिक्स से अपन देखो सब कुछ निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, सब में एक ही काम करना है। और ये लास्ट टॉपिक ही हमारे पास, इसके बाद में एक और बच जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के अपन टाइप्स वगैरह अपन इसको देखेंगे। फिर ये यूनिट नंबर जो फर्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट वो भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा, तो एक यूनिट हमारे पास में कम्प्लीट हो जाएगी। अब देखो इनको अपन मल्टीप्लाई करके और दिखाना है कि इनको अपन मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी। एक वस्तु जीरो, ये वन और ये जीरो, यानी ये वन। नेक्स्ट वाले पार्ट में जीरो वन जीरो यानी वन। थर्ड वाले पार्ट में जीरो 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 यानी जीरो। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या है, जीरो जीरो जीरो, ये भी जीरो। उससे नेक्स्ट पार्ट में जीरो जीरो एंड जीरो, ये भी जीरो। थर्ड वाले पार्ट में यहाँ से वन। इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में ये वन, ये जीरो और जीरो यानी वन। उससे नेक्स्ट वाले पार्ट में वन जीरो और वन, जीरो जीरो जीरो, ये जीरो। थर्ड वाले पार्ट में वन जीरो और जीरो और प्लस वन, अच्छा ये टू आ रहा है, ध्यान से देखना ये टू आ रहा है आपके पास में। एम एस और एम आर में वन वन जीरो, जीरो जीरो वन, वन जीरो टू, इसके अंदर जो हमारे पास में है वो टू की वैल्यू आ रही है। दोनों के दोनों में जो है वो डिफरेंस है, यानी दोनों दोनों मैट्रिक्स जो है ना वो अलग अलग मैट्रिक्स है, ध्यान रखना दोनों ही अलग अलग मैट्रिक्स है। पहले में क्या आ रहा था, दूसरे वाले पार्ट में क्या आ रहा है हमारे पास में, तो दोनों में ही डिफरेंट है। और वैल्यू है क्या क्या, तो ये बोले ये दोनों दोनों पार्ट कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, कौन कौन से पार्ट, एम आर इंटू एम एस, यानी एम आर इंटू एम एस, ये नॉट इक्वल है किसके, एम एस इंटू एम आर, यानी ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी इक्वल नहीं हो, ये जो पार्ट है ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। दोनों दोनों पार्ट जो इक्वल नहीं होंगे, क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पे तो टू हो सकता था गलती से इक्वल हो भी जाए, हो सकता था गलती से इक्वल हो भी जाए, बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल हो, इक्वल हो सकता है हो भी, इक्वल हो सकता है नहीं भी, क्लियर है। चलो फिर बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थैंक यू।